हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। फ्रेंड, ये देखिए, आज मैं आपको सिलेनियम प्लांट्स के बारे में बताऊंगी। ये गर्मियों में मेरा सिलेनियम प्लांट पूरा सूख चुका था और ये मेरा बहुत पुराना गमला था जिसकी मिट्टी बिल्कुल ठस हो रही है, इसमें बिल्कुल खाद नहीं है। तो मैंने सोचा ये पौधा तो ख़राब हो ही चुका है, अब मैं अपने पॉट को नए तरीके से भरूँगी। तो फ्रेंड देखिए, मैं ये अपना गमला जो है पॉट पूरा खाली कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप कह सकते हैं ये मेरा सिलेनियम बहुत बड़ा था, बिल्कुल बेल की तरह था। ये पूरा सूख चुका है, इसमें जड़ों के पास से थोड़ी सी रूट्स निकल रही हैं, वो मैं दोबारा लगा दूंगी। ये मेरा गमला बहुत पुराना था, वो पूरा मिट्टी से भरा था, खाद बिल्कुल नहीं थी इसके अंदर। इसलिए मैंने सोचा अब पेड़ तो खत्म हो ही चुका है, मैं अपने गमले को नए तरीके से भरूंगी। ये देखिए, पूरा मैंने ये मिट्टी इसमें ठस भरी थी नीचे, सब खाली कर लिया है मैंने पूरा गमला। गमले को पूरा खाली कर लिया, उसके अंदर मैंने छेद के ऊपर मटके की ठीकरी रख दी है ताकि पानी रुके नहीं और निकल जाए नीचे से, हमारी मट्टी नीचे ना बहे। न्यूज़पेपर रख दिया ऊपर से, ना गार्डन वेस्ट डाल दिया इसके अंदर। ये गार्डन वेस्ट डाल दिया मेरे फ्रेंड, ये गार्डन वेस्ट डाल दिया मेरा। ये धीरे धीरे कंपोस्ट होता जाएगा और हमारे पौधों को एक नई ताकत मिलेगी। ये देखिए, ऊपर से मट्टी डाल दी, खाद डाल दी, फिर मिट्टी से कवर कर दिया मैंने। ये देखिए, मेरा गमला पूरा नए तरीके से बन गया फ्रेंड। ये देखिए, ऊपर से मिट्टी कवर कर दी। अब इसके अंदर मैं अपनी जो छोटी छोटी जड़ों में से रूट्स निकली थी उनको लगा दूंगी। फ्रेंड, सिंगेनियम प्लांट ऐसा है जो पत्ते से भी ग्रोथ हो सकता है, वो बहुत जल्दी लग जाता है, पानी में भी ग्रोथ हो जाती है इसकी, और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। आप चाहें तो हॉल में लगा दें, डाइनिंग हॉल में लगा दें, कहीं पर भी गैलरी में रख दें, बालकनी में रख दें। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे रूट्स में इसमें फिर से लगा दूंगी। ये देखिए, मैंने लगा दी है और ऊपर से मैं अब इसके पानी डाल दूंगी ताकि मेरी जड़ें अंदर तक बैठ जाएं। फ्रेंड, अभी ये मेरा सिंगेनियम का नया पॉट बनके तैयार हो गया। अब ये बहुत जल्दी से ग्रोथ जाएगी इसकी, क्योंकि बारिश का मौसम है। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे मेरी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।